भाई देखो यार, आज तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। सच में भाई, आज मेरे को कुछ नहीं बोलना है। अगर बोलनी है तो भाई बस एक बात बोलनी है, पाकिस्तान वालों कहीं से जाके कूद जाओ, जहां से भी मौका मिले बस कूद जाओ, कुछ भी करके जीवन लीला आज ही समाप्त कर लो। क्योंकि भाई जिस तरीके से तुम खेले हो ना भाई, तुम खेलना क्या, तुम जीना डिजर्व नहीं करते। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तुम्हें पता है भाई असल में कल के मैच में क्या हुआ? जिस तरीके से इंडिया ने पहले बैटिंग करी ना, इंडिया ने भाई पूरी कोशिश करी थी कि वो ये मैच हार जाएं, लेकिन पाकिस्तान इतनी घटिया टीम है कि उन्होंने कहा ये भी हमसे ना होगा। दो पल के लिए भाई तुम खुद सोचो कि तुमने ऐसा मैच आखिरी बार कब देखा था जहां जिस टीम की जीतने की चांसेस एक वक्त पे 8% हो और अंत में वही टीम जीत जाए। यहां पे भाई दूसरी टीम तभी जीत सकती है जब भाई सामने वाली टीम पाकिस्तान हो। जब विराट कोहली ने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया था, उस वक्त पे एक वक्त पे इंडिया की चांसेस जीतने की थी 15%, लेकिन विराट भाई आए, ऐसा छाए कि इंडिया को मैच जिता दिया। वैसे ही कल के दिन एक वक्त पे इंडिया की जीतने की चांसेस थी मात्र 8%, लेकिन उसके बाद बुमराह आते हैं, ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि पाकिस्तान की कह के ले जाते हैं। देखो भाई, अगर मैं आईसीसी का हिस्सा होता तो भाई कल के मैच के बाद मैं पाकिस्तान को कोई भी मैच नहीं खेलने देता, क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करती है कि वो इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेले। क्योंकि कल के दिन जो हगे हैं भाई लोग, जो हगे हैं मतलब एक भी प्लेयर अगर एक भी बॉल इस वर्ल्ड कप में खेलता है तो ये इस वर्ल्ड कप की तौहीन है। मतलब भाई जो लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते नहीं हैं, जिन देशों में क्रिकेट होता नहीं है, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ये खेल खेलने के लोग कहते हैं ऐसा खेल जहां टीमें ऐसे हार जाती हैं। भाई पहले तो चलो टीम में बाबर आजम होते थे जो पूरी कोशिश करते थे एकदम धीमा खेल के अपनी टीम को हराने की, लेकिन भाई बाबर आजम की संगत में पूरी टीम ही बाबर आजम हो गई है। अब पाकिस्तान को अपना नाम बदल के बाबर आजम कर देना चाहिए, क्योंकि भाई कल के दिन पूरी टीम ही ऐसा खेली है। शुरुआत से देखे तो मोहम्मद रिजवान 44 बॉलों पे 31 रन की तूफानी पारी खेल के जाते हैं, एक चौका लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं, और बुमराह उनकी वंस अगेन कह के ले जाते हैं। उसके अलावा आते हैं इनके कप्तान बाबर आजम, जिनको भविष्य में जाके विराट कोहली बनना है, एक अलग ही तलब है विराट कोहली बनने की। लेकिन बाबर आजम भी कल के दिन आते ही थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज खेलेंगे तो कैसे खेल पाएंगे, इसीलिए 10 बॉल पे 13 रन का एक महत्वपूर्ण योगदान देके वो भी पवेलियन चले जाते हैं। उस्मान खान आते हैं 15 बॉल पे 13 रन मारते हैं, फकर जमान 8 पे 13 मार के आउट हो जाते हैं। इमाद वसीम तो लगता है बाबर आजम को अपना आइडल ही मान लेते हैं, क्योंकि वो तो 23 बॉल पे 15 रन मार के आते हैं। उसके बाद शादाब खान आके 7 पे 4 मारते हैं, इफ्तिकर 9 बॉल पे 5 मारते हैं। यानी कि आसान भाषा में मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि इंडिया असल में कल का मैच जीतने की कोई खास कोशिश नहीं कर रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मैच जा चुका है, लेकिन तभी याद आया इनको कि सामने वाली टीम तो पाकिस्तान है, ये तो भाई कहीं से भी हार सकती है। उसके बाद ये बुमराह को लाते हैं, बुमराह आते हैं, छाते हैं, एंड वंस अगेन जैसा मैंने कहा क्या कर देते हैं, इनकी कह के ले जाते हैं। खैर, बुमराह ने जहां कल के दिन एक बार फिर से शानदार जानदार बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट और एक बार फिर से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो बुमराह के अलावा बाकी बॉलरों ने भी यहां पे काफी प्रभावित किया। अर्शदीप ने शानदार आखिरी ओवर डाला, 4 ओवर के स्पेल में मात्र 31 रन देके 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज को भले ही विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने भी मजे करा दिए, बैटिंग में काफी डिसअपॉइंट कर रहे थे, लेकिन जब बॉलिंग में आए 4 ओवर डाले, 24 रन दिए, 2 विकेट ले गए। उसके अलावा जडेजा ने भी 2 ओवर में मात्र 10 रन दिए, अक्षर पटेल ने भी 2 ओवर में मात्र 11 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया। कुल मिला के कल के मैच की मोटा मोटी समरी ये है कि इंडिया के बॉलरों ने पाकिस्तान के बैट्समैनों की झंड कर दी। लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछो कि भाई कल के मैच में तुम्हारा सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था, तो भाई सबसे फेवरेट मोमेंट तो मेरा वो था जब मोहम्मद सिराज ने मोहम्मद रिजवान को कस के बॉल चिपकाई थी। कसम से मजा ही आ गया था। मोहम्मद रिजवान जितना एक्टिंग करते हैं ना मैच में, जितना जबरदस्ती भाई उचकेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, भाई कल के दिन इतनी भाईयात पारी खेली है, मतलब इतनी घटिया पारी खेली है। 44 बॉलों पे 31 रन मारे हैं, लेकिन उन 31 रन में भी 3 बार बंदे ने फिजियो बुला लिया था। बाकी विकेट कीपिंग का तो इसका आप जानते ही हैं, बॉल हाथ में आती नहीं है, लेकिन जब भी आ जाए हर बात पे अपील करना है। तो जिस तरीके की दवाई यहां पे मोहम्मद सिराज ने कल के दिन रिजवान को पिलाई, कसम से भाई सुकून मिल गया दिल को।
वैसे भाई तुम लोगों ने वो वीडियो देखी जो कल का मैच खत्म होने के बाद चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पूरी इंडियन टीम मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रही थी, पाकिस्तान को हराने की खुशियां मना रही थी। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी तो क्या ही देखा भाई, पूरी टीम जो है रॉकेट जला रही है भाई, पटाखे फोड़ रही है। क्या तुमने सच में वीडियो नहीं देखी है? तो भाई चिंता मत करो, मैंने वो वीडियो तुम्हारे लिए संभाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल बिग बाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उस वीडियो का भरपूर आनंद लो, और उसके बाद अपना रिएक्शन आके कमेंट सेक्शन में जरूर देना। लेकिन भाई देखो यार, अब अगर बात करें थोड़ी सी इंडिया की बैटिंग की, तो जाहिर सी बात है इंडिया की बैटिंग ने डिसअपॉइंट करा एक बार फिर से। इंडिया के मिडिल ऑर्डर या फिर कहें इंडिया के फिनिशर्स ने यह बता दिया कि भाई हमारे भरोसे ज्यादा मत रहना। भाई जिस तरीके से शुरुआती ओवर में कोहली और रोहित गए ना, असल में वो लोग बहुत ही आसानी से टिक सकते थे। कोहली यूं ही एक वाहिया शॉट खेल दिए, अब ये मत कहना कि भाई बेकार में ओपनिंग करा रहे हैं, बंदा फॉर्म में नहीं है। देखो हो सकता है कि ओपनिंग में थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ रहा हो, जिसका थोड़ा शायद प्रेशर उन पे पड़ रहा हो। फर्स्ट डाउन पे आएंगे थोड़ा बेहतर खेलेंगे, और मुझे लगता है शायद अगले मैच से फर्स्ट डाउन में आ भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दुबे खेल रहे हैं, जायसवाल ओपनिंग करेंगे और कोहली जो है हमको फर्स्ट डाउन पे दिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर कोहली और रोहित को पहले से ही पता होता कि नीचे के जो बल्लेबाज हैं इतना बुरा हगेंगे, भाई वो लोग बहुत ही आराम से खेल रहे थे, उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी, वो तो बस अपना विकेट फेंक के गए हैं। वहीं पे भाई अगर बात करें पंत की, वो भी कहीं ना कहीं अपना विकेट फेंक के चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई नीचे जो बंदे आते हैं, चाहे दुबे हो गए, चाहे जडेजा हो गए, चाहे पांड्या हो गए, ये अच्छा फिनिश कर सकते हैं। लेकिन भाई उनको भरोसे पे खड़े थोड़ी उतरना है। देखो यार ये बात मैंने इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के बाद भी कही थी कि भाई इस मैच में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब मेन टीमों के खिलाफ मैच होगा, वहां पे कौन रन मार रहा है, वहां पे कौन विकेट ले रहा है, उससे साबित होगा कि सच में कौन अच्छा खेल रहा है और कौन खराब खेल रहा है। तो असल जो टेस्ट था ना, वो कल के दिन था। माना पिच मुश्किल थी, इसीलिए पाकिस्तान के बैट्समैन ही बहुत बुरा हगे हैं। खैर वो तो अच्छी पिच पे भी हगते हैं, लेकिन भाई मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर खराब पिच थी भी, जिस सिचुएशन में एक वक्त पे इंडिया थी, जिस तरीके से पावर प्ले में 50 मार दिए थे, जिस तरीके से 10 ओवर का अंत होने तक भी 82-83 रन इंडिया ने जोड़ दिए थे, विकेट भी वहां पे अच्छे खासे इंडिया के हाथ में थे, क्या वहां से कम इंडिया को 140-150 नहीं मानने चाहिए थे? क्या वहां से दुबे, जडेजा और पांड्या को एक डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए था? अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। देखो यार कोई बैट्समैन आते ही पहली बॉल पे चले जाए ना, मैं उसको ज्यादा दोष नहीं देता हूं, मैं दोष ज्यादा उसको देता हूं जो समय बिताता है लेकिन उसके बाद भी कुछ उखाड़ के नहीं जाता है। जैसे कि पांड्या हो गए, समय गुजारा, सिचुएशन को समझा, कुछ बॉलें भी खेल ली, लेकिन उसके बाद ऐसे फ्लिप शॉट मार रहे हैं हल्का सा और कैच दे के आ रहे हैं। एक वक्त भाई पांड्या कैसी बैटिंग करता था भाई, खींच के जंगलियों जैसे शॉट मारता था, लेकिन अब मारता ही नहीं है। इसीलिए भाई जब हार्दिक पांड्या ने वार्म अप मैच में स्पिनर को एक के बाद एक 3 छक्के लगाए थे, मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ था, क्योंकि मुझको पता था कि हार्दिक पांड्या को मोस्ट ऑफ द मैचेस में पेसर्स को फेस करना होगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे आते हैं वहां पे ज्यादातर पेस बॉलिंग ही देखने को मिलेगी। और भाई आईपीएल में भी पांड्या पेस बॉलिंग को वैसे अटैक नहीं कर पा रहे थे जैसे वो एक वक्त पे करते थे, और मैं सच में चाहता था कि कल के दिन पांड्या कम से कम हमको ये भरोसा दिलाएं कि हां भाई मैं अब भी फिनिश कर सकता हूं, पर वो भरोसा हमें वो दिला ना पाए। तो मतलब यार देखो फिलहाल मोटा मोटी कहानी ये है कि इंडिया की बैटिंग जो है 4 लोगों के भरोसे सबसे ज्यादा है। एक है रोहित शर्मा, दूसरे हैं विराट कोहली, तीसरे हैं ऋषभ पंत और चौथे हैं सूर्य कुमार यादव। कुछ लोग कहेंगे सूर्या भी तो नहीं चल रहे हैं ना, पर भाई सूर्या देखो काम का बैट्समैन है, वो एकाध मैच में और ना चले, लेकिन सूर्या भाई बड़ा प्लेयर है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सूर्या बड़े मैच में नहीं चलते, मेन मैच में नहीं चलते हैं, तो भाई बंदे के आप स्टैट्स उठा के देखिए, T20 फॉर्मेट में, ODI वगैरह नहीं, T20 फॉर्मेट में, तो बंदे ने बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करा है, मुंबई से भी करा है और इंडिया से भी करा है। यही रीजन है कि उसके स्टैट्स इतने अच्छे हैं, यही रीजन है कि वो T20 का नंबर 1 रैंक का बैट्समैन है, तो भाई वो चलेगा। हाँ ठीक है कल के दिन भी आउट हो गया, लेकिन भाई कल के दिन जब सूर्या आउट हुआ ना, तो सूर्या के आउट होने के बाद जिस तरीके से बाकी बैट्समैन खेल रहे थे, मैं तो भाई यही सोच रहा था कि सूर्या यहां पे होते तो बहुत ही आसानी से बस वही रन मार सकते थे और कोई नहीं मार सकता था। देखो पंत ने रन मारे हैं, लेकिन तुमको ही पता होगा कि पंत के कल के दिन जो मोस्ट ऑफ द रन आए हैं ना, भाई लक के भरोसे आए हैं। कम से कम 80-90% जो उनकी बाउंड्रीज थी, सब भाई निक लग के आ रही थी। कितने सारे जीवनदान मिले, 2-3 तो भाई सीधे सीधे कैच छोड़ दिए, तब जाके भाई उनके ये 42 रन पड़े हैं। तो भाई सूर्या के लिए ये 42 रन मानना ना किसी भी और बैट्समैन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आसान है, चाहे पिच कैसी भी हो। इसीलिए सूर्या से मुझको ज्यादा दिक्कत नहीं है, और मुझको पता है कि सूर्या जरूर काम आएंगे, अच्छे से काम आएंगे, क्योंकि भाई बंदा T20 का है तो बड़ा बैट्समैन, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो मतलब
मतलब ये जो चार बैट्समैन है, रोहित हो गए, कोहली हो गए, पंत हो गए और सूर्या हो गए, इनको भी भाई ये समझना होगा कि इंडिया की जो बैटिंग है वो इन्हीं के भरोसे है। तो कम से कम इन चारों में से एक बैट्समैन तो ऐसा होना ही चाहिए जो कम से कम 15 ओवर तक मैदान पर टिका होना चाहिए। खैर, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई पाकिस्तान ने जो खेल दिखाया है कल के दिन, दो दो शब्दों का ज्ञान कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए जरूर छोड़िएगा। एंड भाई वो वीडियो जरूर चेकआउट करना जहां भाई इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही है मैच खत्म होने के बाद, कसम से भाई तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। वो पूरी वीडियो कहां मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, जो कि है इंडिया का सबसे बकचोर टेलीग्राम चैनल, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बकचोर टेलीग्राम चैनल, जाओ जाके ज्वाइन करो। बकचोर टेलीग्राम चैनल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, वैसे नहीं, हां कुछ और समझ जाओगे वरना तुम। तो जल्दी जाओ ज्वाइन करो, उस वीडियो का आनंद लो। बाकी भाई वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, धन्यवाद।